सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एमएम प्रोडक्शन। और इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हूएवर इज वाचिंग दिस वीडियो। होप यू गाइस आर फाइन और आपकी बहन मिशन मलाइका अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एकदम फिट फार जबरदस्त और मज़े में। तो आज आप लोग सोच रहे हो कि ये मैं कहाँ हूँ। तो आई एम हेयर एट सरीना होटल और मैं यहाँ की हूँ। द बेसिक रीज़न इज़ दैट आई एम हेयर टू अटेंड अ सेमिनार, एक स्पोर्ट्स सेमिनार आया हुआ था हमारा, तो उधर से हमें इन्विटेशन आई थी। तो मैंने सोचा कि अभी सेमिनार अटेंड करने आए हैं तो एक छोटा सा बिल्कुल व्लॉग भी बना लें ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल हम लोग आए हैं और टाइम हो रहा है, लेट मी चेक, 12 बजे का। इट्स 12 o'clock। जाना तो सेमिनार हमारा स्टार्ट होना था 11:30 पे, बट इट्स 12 o'clock, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। तो फिलहाल अभी हम पहले चलते हैं अंदर, वी आर ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट। तो लेट्स गेट द डे स्टार्टेड एंड लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल डे, सो लेट्स गो। और आपको साथ ही हम अंदर का भी दिखाते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ से अभी हम आए ऊपर और आई थॉट के मास्क पहन लेना चाहिए, बिकॉज मास्क के बगैर वो मुझे अंदर जाने नहीं देंगे, बिकॉज दे विल थ्रो मी आउट ऑफ द होटल। क्योंकि ये भाई बड़ी जगह है, अच्छी जगह है, एक यहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं मुझ जैसे, समझ रहे हो। तो अभी अंदर जाते हैं और साथ साथ आपको अंदर भी दिखाते हैं, बट कैमरा छुपा के जाना पड़ेगा क्योंकि लोग वीडियो बनाने नहीं देते, पर हम बनाएंगे, समझ रहे हो। ये हमारी एंट्रेंस है और फिलहाल हम लोग अपने हॉल की तरफ जा रहे हैं, जो कहकशां हॉल 1 है हमारा, उधर हम लोगों ने जाना है। ओके, हम कहकशां हॉल पहुंच गए हैं, मगर अंदर आके पता चला है कि अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, लिटरली कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ हॉल। ठीक है, और हम शायद पहुंचने वाले सबसे पहले हैं। अभी आपको अंदर से हम हॉल भी दिखाते हैं कि कौन है और कौन नहीं। गेटिंग बोर्ड, कोई भी नहीं है यहाँ पे हमारे अलावा, कोई भी नहीं आया। फिलहाल सीन ये है कि 1 घंटे से भी ज़्यादा होने वाला है और हमारे पाकिस्तानियों की वाहिद आदत है कभी भी टाइम पे ना आने की। हम 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, ख्वार हो रहे हैं और बोर भी हो रहे हैं। तो लेट्स सी कि कब स्टार्ट होता है। 2 hours later। वो भाई 2 घंटे के वेट के बाद हमारा सेमिनार हो गया एकदम शुरू। अब आप हमारे साथ सेमिनार देखिए। मैं आपको कहता हूँ कि जर्नलिस्ट का जरूर ये काम है, हमारा काम ये जरूर है कि हम स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए जो हम कर सकते हैं, जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो हम जरूर करें। इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ जी, हमारा कोई लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं है। It looks like I wake up 6 in the morning, I do my training, 2.5 hours of training, then I have a 30-minute break in which I can have my breakfast or whatever, and then we have a 45 minutes of gym. जी तला, आपको आवाज आ रही है जी? जी सर आ रही है। बस आप थोड़ा हमें एथलीट्स के प्रॉब्लम और एथलीट्स को जो कुछ फेस करना पड़ता है हमारे इस माशरे में, और खासकर जो आपको ओलंपिक की ट्रेनिंग, उसमें जो ओलंपिक में जाने से पहले, तो क्या आप समझते हैं कि ये जिस तरह 20 दिन पहले भी आपको पता नहीं था, ट्रेनिंग आपकी आपके वालिद साहब आपको कराते थे, ट्रेनिंग की जगह नहीं थी आपके पास, तो क्या रिक्वायरमेंट्स है एक एथलीट के लिए प्लीज? जो सिटीज है हमारी, क्योंकि पंजाब अपने शहर की बात करता हूँ गुजरांवाला, वहां पे कोई ऐसा एक अरीना नहीं है, एक जिमनेजियम नहीं है तो जहाँ पे आप मुख्तलिफ गेम प्रोवाइड कर सकें, उनको अच्छी फैसिलिटीज दे सकें। और जितनी हमारी यूथ है
वो मुख्तलिफ जिम्स में जाके स्टडी भी साथ साथ भी वो जारी रखते हैं और मुख्तलिफ जिम में जाके अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं, तो बजाय के कभी इधर कभी उधर कुछ आजकल लोग भी ऐसे क्लब छोड़ के दूसरे के पास कोचिंग भी नहीं उन्हें पसंद आती किसी की, तो बजाय के वो इर्द गिर्द जाए एक अकेडमी हर शहर में बननी चाहिए इधर मुख्तलिफ गेम्स हों। चले के जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपने गेन किया ओलंपिक में, आप समझते हैं कि जो हम हमारे एथलीट्स जाते हैं वो फुली इक्विप्ड होते हैं टेक्निकली फिजिकली दोनों में? सिक्स एंड अ हाफ आवर्स लेटर। बिल्कुल, मैं जितनी अपनी जो इम्प्रूवमेंट्स मेरी ट्रेनिंग में आती है वो मैं चाइनीज की वीडियोस देखता हूँ, वो अपनी वीडियोस शेयर करते हैं ट्रेनिंग के मुताबिक, क्योंकि वो एडवांस हैं, वो हर अपने उस मसल पे काम करते हैं जो वीक है, जो हम सोचते भी नहीं है, वो उस मसल की भी ट्रेनिंग बताते हैं। तो वही सीन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेमिनार स्टार्ट नहीं हो रहा, उस वक्त स्टार्ट नहीं हो रहा था, और जिस वक्त तकरीबन 2 घंटे लेट स्टार्ट हुआ, 1 o'clock स्टार्ट हुआ, और अब भी जागे, मतलब टाइम हो रहा है 5 o'clock, मतलब 5 o'clock 5:15, 4 घंटे का सेमिनार था, हालत बिल्कुल पतली हुई है, इतना बोरिंग सेमिनार जिसकी हाल नहीं, बट स्टिल स्पेशल थैंक्स टू रिश्ता एंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर इन्वाइटिंग अस टू दिस सेमिनार, और जो जो भी जिस जिसकी शिकायत थी, जो भी जिसका था, अब गवर्नमेंट है उसका काम है, हमारे को काम नहीं है, अब जो भी मसला है वो उनका अलग करे हाथ हो जाए जैसा भी है, और स्पोर्ट्स को जो प्रमोट करने की बात की है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आज के व्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस, होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, एंड इफ यू एंजॉय द वीडियो इट मीन यू हैव टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल कैच यू गाइस एज ऑलवेज इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।